Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hassan Junaid, and today our topic of presentation is security measures to maintain law and order. ADASF के पेपर में 20 मार्क्स का एक पोर्शन आता है जिसमें मेंशन होता है कि हमें 20 मार्क्स के 20 MCQs पूछे जाएंगे और वो रिलेटेड होंगे सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर. तो वो बेसिकली एएसएफ का एक्ट होता है जो 1975 का इनका एक्ट है, हमें वो तैयार करना होता है. 6 से 7 सफ़े का एक्ट है, इजी है. आप इसमें अगर अच्छे से इसको तैयार कर लें तो आराम से 18/20 मार्क्स ले सकते हैं. तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस. ADASF का सिलेबस ये है कि इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की, पाकिस्तान स्टडीज 10 मार्क्स की, इस्लामिक स्टडीज 10 मार्क्स की, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के, और ये लास्ट जो पोर्शन है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये 20 मार्क्स का. मतलब कि 6 पोर्शन होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. अब हम देखते हैं सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ADASF जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसका जो एक दायरा अख्तियार है वो एयरपोर्ट के हदूद के अंदर है. लेट्स स्टार्ट. अगर मैं थोड़ा सा आपको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता दूं, तो मैं इस वक्त 17 ग्रेड में जॉब कर रहा हूँ एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर. लास्ट 6 ईयर से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड रिसोर्स पर्सन हूँ, उनके कुछ साइकोलॉजी और एजुकेशन के सब्जेक्ट्स भी टीच करता हूँ. एकेडमिक्स में मेरी सेकंड पोजीशन रही है थ्रू आउट द माय डिग्री टेन्योर. और अगर बात कर लें वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट की, जीके बेस्ड टेस्ट की, तो रिसेंटली जो मेरे क्लियर हैं टेस्ट उनमें ADASF 2022 ये केस नंबर 6 है. 2022 में ये सीट आई थी. 2022 में दो तरह की सीटें आई थी. एक केस नंबर 6 आया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 में, और फिर केस नंबर 185 जिसका जो है पेपर है 30 अप्रैल 2023 को. तो जो पहला पेपर हुआ था वो उसका एग्जाम हो गया हुआ है, उसका रिटर्न भी आ गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर है. इसके अलावा मेरा डिप्टी डायरेक्टर 18 स्केल का इसी ईयर में, अब तो 2023 चल रहा है, 2022 में क्लियर है. ADMOD 2021 में फाइनल स्टेज तक 4 स्टेजेस होती हैं, वो सारी मेरी क्लियर थी अल्हम्दुलिल्लाह. ADFIA 2019 ये भी मेरा क्लियर है. चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आते हैं अब एक्ट की तरफ, कि हमने एक्ट को याद किस तरह से करना होता है, उसमें से MCQs आते किस तरह से हैं. ये आपके सामने ASF का लोगो है, पाकिस्तान फिम एंड कर्टियस. अगर हम ये देखें कि एक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं एक्ट में से, और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं क्योंकि एक्ट जस्ट 7 से 8 सफ़ों का है, उसमें से अगर 100 MCQs भी बना लिए जाएँ तो मोर देन इनफ है, और उनमें से ही काफ़ी सारे रिपीट हो जाते हैं. कुछ मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको, मे बी पॉसिबल ये पेपर 30 अप्रैल को जो है उसमें इनमें से भी कोई रिपीट हुआ हो जाएगा. तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देखिए पहला क्वेश्चन, कराची में. CCTV कैमराज लगे होते हैं एयरपोर्ट्स पे, किस लिए यूज होते हैं, सिक्योरिटी टूल्स के तौर पे. अगर कोई जानबूझ के ये फायर ब्रिगेड को कॉल करे और कि आग लग गई है, और उस जगह आग ना लगी हो तो उसको किस तरह की सजा होगी, ये क्वेश्चन आया था, उसको फाइन होगा, जेल होगी, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर था बोथ ऑफ दीज. नेक्स्ट, ASF एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रेगुलेशन जो हैं ASF के वो कौन बना सकता है. तो ये जो डायरेक्टर जनरल होता है, फोर्स कमांडर जिसको अब हम कहते हैं, वो उसकी ये अथॉरिटी है कि वो रेगुलेशंस बना सकता है बट रूल्स नहीं बना सकता. रूल्स फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, नोटिफिकेशन के थ्रू उसको शाया करेगी. ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है, बल्कि आया, ये भी आया था, इस दफा भी मुझे लगता है कि ये दोबारा रिपीट होंगे.
फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी किस चीज का इंचार्ज वहां पे एडी होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एयरपोर्ट्स भी आएंगे, एरोड्रोम्स भी आएंगे, सिविल एविएशन अथॉरिटीज भी आएंगी, इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज। उसकी जो एक अथॉरिटी है उसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं। ये आगे एएसएफ एक्ट में सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। हम जब हमें आपको एएसएफ एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें जब चीजें हमारी रिवाइज होंगी तो आप देखेंगे कि ये एमसीक्यू उसी में से उन्होंने बनाए हुए हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट अपनी पावर किसको डेलीगेट कर सकती है, डायरेक्टर जनरल एएसएफ को या फोर्स कमांडर जो होता है उसको कर सकती है, अपनी डेलीगेशन पावर्स कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट अपनी डेलीगेट पावर्स कर सकती है डायरेक्टर जनरल को स्वाय किस पावर के, पावर टू मेक रूल। डायरेक्टर जनरल जो है रूल्स नहीं बना सकता, मैंने आपको पहले भी बताया, रेगुलेशंस बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या शामिल है, रेडियो स्टेशन, पावर प्लांट्स, वाटर कैनाल्स या ऑल ऑफ दीज। ये सारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, बल्कि इनके ऊपर अलग अलग महकमे हैं। तो सिक्योरिटी मेजर्स जो है जो 15 मार्क्स की आप लगा लें एएसएफ एक्ट 1975 में से आती हैं, और 4-5 नंबर के एमसीक्यूज जर्नल भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक। जैसे हमने पीछे देखा सीसीटीवी कैमरा कहाँ यूज होते हैं, अब एएसएफ एक्ट 1975 में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये आपको जनरली पता होना चाहिए। अब ये सारी चीजें के गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या शामिल है, एक जनरल सेंस में पता है कि रेडियो स्टेशन, पावर प्लांट, वाटर कैनाल, ये सारी गवर्नमेंट के अंदर होती हैं और इन पे बकायदा अथॉरिटीज हैं। फिर देखिए, अगर कस्टम कोई स्मगलिंग कर रहा है, कंट्राबैंड आइटम उसके पास है जिसको वो स्मगल करके लेके जा रहा है, तो एडी एएसएफ किसको बताएगा, वो कस्टम के स्टाफ को बताएगा। अब जो एयरपोर्ट होता है जनरल, आपको वैसे बता दूं एडी एएसएफ जो होता है उसकी जो दायरा कार है वो जस्ट एयरपोर्ट के अंदर अंदर होता है। एयरपोर्ट पे उसके अंडर इंस्पेक्टर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और बाकी सारा स्टाफ मौजूद होता है, कारपोरल वगैरह, और उनके उसने लेके चलना होता है, और साथ में उसका लाइजोन होता है दूसरे महकमों के साथ भी। एयरपोर्ट पे कस्टम्स का बंदा भी मौजूद होगा, आईपी का भी, आईएसआई का भी। तो जैसे ही अगर उसको पता चलेगा स्मगलिंग का कोई मसला है, वो कस्टम्स वाले को इन्फॉर्म करेगा, कस्टम्स वाला स्मगलिंग वाले को रोकेगा। सिमिलरली किसी का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम है तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा, एफआईए उसको डील करेगा। अगर हाईजैकिंग होने लगी है तो आर्मी को कॉल की जाएगी। ये एडी एएसएफ डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एंगेज करेगा सिक्योर करने के लिए एयरपोर्ट को। तो ये इनमें से भी कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको ड्यूटीज बताई बाकी महकमों की। लास्ट, एएसएफ का जो मेंबर होगा वो किस जगह एंट्री करने से रोक सकता है कार को, सारी कार्स को वो कहता है, क्या वो रोक सकता है सारी कार्स को, सारे पर्संस को रोक सकता है? तो नहीं, ये गलत है, वो सबको नहीं रोक सकता। जहरी बात है, जो अगर उससे ऊपर की अथॉरिटीज हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्मी है, उनको तो वो नहीं रोक सकता उनकी कार्स को दाखिल होने से। तो ये जी कुछ रूल्स से। अब हम एएसएफ का एक्ट 1975 का देख लेते हैं, और ये अमेंड हुआ है 2012 तक। मतलब अमेंड का मतलब होता है कोई नई चीज शामिल होना। बन ये 1975 में गया था, और 1975 में भी ये एक्ट नंबर जो है 77 था। 1975 में काफी सारे एक्ट पास हुए होंगे, तो ये इसका पास होने का नंबर 77 था। ये भी बल्कि यहाँ के लिखा ही होता है, इन्होंने ना एक्ट के अंदर ही लिखा होता है ये चीजें भी। तो अब हम देखते हैं एक्ट के जो है किस तरह से हमने तैयार करना है। एक चीज याद रखिएगा कि हमें एक्ट को समझना तो है, लेकिन क्रैम भी करना है, रट्टा भी लगाना है। सुनने में बुरा लगता है पर पाकिस्तानी सिस्टम ही ऐसा है। फिर इसके अलावा एक्ट की वर्डिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते। एक्ट में अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, वो एक्ट की पूरी लाइन उठाएगा, वर्ड को चेंज कर देगा, सिनोनिम यूज कर लेगा। हम इवन के एक्ट में सिनोनिम्स भी नहीं यूज कर सकते। जो वर्ड एक्ट में लिखा है वो एज इट इज ही है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हम देखते हैं इसमें एएसएफ के एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4 and Chapter 5। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं, पहले चैप्टर में 2 आर्टिकल हैं, दूसरे में 3, तीसरे में 1,
चौथे में एक और पांचवे में छह, तो टोटल 13 आर्टिकल बन जाते हैं। हमें अब आगे चल के मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस चैप्टर में क्या बात की गई है, किस आर्टिकल में क्या बात की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर वो पेपर में पूछता है कि पावर्स का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, किस चैप्टर में किया गया है। अगर वो कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिक्र कौन से में किया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशंस कौन से चैप्टर में दी हुई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इन पांचों चैप्टर्स को वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर वन आ जाता है, इसमें दो आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल इसमें आएगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, ये आगे मैं आपको दिखाता भी हूँ। और दूसरा आएगा डेफिनेशंस। देखें हर चीज की एक डेफिनेशन होगी, हमें पता है एयरपोर्ट क्या है, लेकिन एयरपोर्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी एक्ट के थ्रू। हम तो ये कहेंगे ना जहां से जहाज उड़ रहा है और उतर रहा है उसको एयरपोर्ट, इस तरह तो एयरपोर्ट किसी जाति बंदे ने भी अगर बनाया भाई, या एयरफोर्स का भी है PAF का, वो इनके अंडर नहीं आता ये सबके। तो हर चीज की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उन 17 डेफिनेशंस को हमें प्रॉपरली याद करना है। और जो पहला इसका आर्टिकल है पहले हम उसको देखते हैं, फिर मैं कुछ आपको डेफिनेशंस दिखाता हूँ। चैप्टर वन का पहला आर्टिकल जी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, इसमें चार चीजें हैं, आप इसको यूं याद कर लें SEAP। एस से मुराद शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है जी इस एक्ट का, नाम क्या है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। इसकी एक्सटेंड क्या है, इट एक्सटेंड्स टू ऑल एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स, ऑल सिविएशन स्टेशंस, सेंटर ऑफिसेज इन पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एयर सर्विसेज एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सिविल एविएशन। अब देखें ये यहाँ पे पॉइंट आया, अगर आपको याद हो मैंने जो आपको MCQs अभी बताए उनमें ये MCQ आया हुआ था कि जो ASF का मेंबर होता है उसकी अथॉरिटी कहाँ तक होती है, एयरड्रोम्स, एयरपोर्ट्स, सिविल एविएशन स्टेशन एंड इंस्टॉलेशन, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जी एक्सटेंट में आता है कि कहाँ तक इसकी वर्किंग है और आप इसको चूज कर लेंगे। देन इसी में आ जाती है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसकी कहाँ है, इट शैल अप्लाई टू ऑल मेंबर एंड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी, ये तमाम मेंबर्स और ऑफिसर्स पे लागू होगा चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में काम कर रहे हो। उसके बाद इसकी कमेंसमेंट, सी आएगा यहाँ पे कमेंसमेंट, इसकी कमेंसमेंट ये कब से लागू होगा, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, जैसे ही ये असेंबली से पास हुआ है 1975 में तभी से ये अप्लाई हो गया। तो ये चैप्टर वन का आर्टिकल वन हो गया। आर्टिकल टू में क्या है, डेफिनेशंस हैं, टोटल 17 डेफिनेशंस हैं, इनको आप एक्ट अवेलेबल है वो मैंने ग्रुप्स में भेजा भी हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा आप व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं, या अगर आप वैसे भी गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे ASF Act 1975 PDF डाउनलोड तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जस्ट वन क्लिक पे। अब तो चीज़ें काफ़ी सारी आसान है जो जब से टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, फाइल्स हमें एट ए वन क्लिक अवेलेबल हो जाती हैं, मसला उनको पढ़ने का होता है, फाइलें तो हमारी फोल्डर में काफ़ी सारी मौजूद होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद डेफिनेशंस में देखिए एयरड्रोम, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट और इसी तरह और भी चीजों की डेफिनेशन दी हुई है। मैं आपको सारी डेफिनेशन तो नहीं कराऊंगा, ये आपको बाइक जो है लर्न करना पड़ेगा, इनकी रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे देखें एयरोड्रोम किसको कहते हैं, उसने यहाँ डिफाइन कर दिया, एयरोड्रोम मीन एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर, चाहे जमीन का हिस्सा हो चाहे पानी का हिस्सा हो, जो कि होगा यूज होगा फैसिलिटीज फॉर लैंडिंग, डिपार्चर और मूवमेंट के लिए, एयरक्राफ्ट्स की तमाम बिल्डिंग, तमाम शेड, तमाम वेसल, तमाम पियर्स, तमाम इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट, ये सारे जो हैं एरोड्रोम की डेफिनेशंस में आएंगे। लेकिन अगली बात, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एरोड्रोम विच इज एक्सक्लूसिवली यूज बाय PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरपोर्ट्स हैं
वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की हदूद में नहीं आएंगे, ठीक है। और बाकी जितनी चीजें हैं, चाहे वो लैंड का हिस्सा है जो असिस्ट कर रही है एरोप्लेन्स को लैंड करने में, उनको मूवमेंट करने में, उनका डिपार्चर करने में, वो बिल्डिंग्स जहां पे सामान पड़ा हुआ है वो सारी एरोड्रोम कहलाती है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट की भी प्रॉपर डेफिनेशन है कि वो चीज जो हवा में उड़ती है एटमॉस्फेयर की सपोर्ट के ऊपर, और एक्सेप्ट इसमें जो है आर्मी जो PAF के हैं प्लेन्स और जेट्स वो नहीं शामिल, बाकी सारे इसमें शामिल हैं। तो ये 17 डेफिनेशन है, इनको आपको एज सच खुद ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। टोटल मैंने आपको बताया 5 चैप्टर और 13 आर्टिकल्स हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 13 आर्टिकल्स एक दिन में याद हो जाते हैं, बल्कि 2-3 दफा आप रिवाइज कर सकते हैं। और मोस्ट रिकमेंडेड यही होता है कि पेपर जब आपका हो उससे 2-3 दिन पहले आप इसको तैयार कर लें, बल्कि एक दिन पहले भी तैयार कर लें तो भी कोई मजाका नहीं। क्योंकि बाकी चीजें तो हमें बहुत और पेपरों में भी याद हमेशा रखनी होती है, इंग्लिश मैथमेटिक्स या जो दूसरे पोर्शन है, बट ASF का एक्ट हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद करना जरूरत होती है। हाँ, जब पेपर के लेयर हो जाएगा आपको फिर से याद करना पड़ेगा फॉर द इंटरव्यू, और अगर आपकी जॉब हो जाती है इंशाल्लाह तो भी आपको वहां पे इन चीजों का पता होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशंस का, कि हमने ऑपरेट किस तरह से करना है। तो चैप्टर 2 के अंदर देखिए 3 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल हमने पहले पढ़ लिए, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 5 जो है वो चैप्टर 2 में आता है। ये हमें क्या बताता है, आप चैप्टर 2 कैसे याद कर लेना, 3 आर्टिकल है तो ऐसे कर लें, PCA, P से पावर, C से कॉन्स्टिट्यूशन, A से एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 3 हैं ये आप याद कर लेंगे, ये 3 चीजें आ जाती हैं चैप्टर 2 के अंदर। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट पहला पॉइंट जो है इसका, पॉइंट नंबर 3 के आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को चलाना कैसे है, उसके फंक्शन किस तरह से चलाने हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली बनाती है, फंक्शंस बताती है कि किस तरह से काम करते हैं, सिक्योरिटी किस तरह से होगी। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एयरपोर्ट फोर्स का, वो उसके ऊपर अमल दरामद कराना जिम्मेदारी है फोर्स कमांडर की या DG की। जो पुराना एक्ट है 1975 का, उसके अंदर DG का लफ्ज यूज हुआ है, जो इसका फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मेन बंदा काम कर रहा होता है, लेकिन अमेंड होने के बाद वो वर्ड जो है फोर्स कमांडर का वर्ड आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है एज फेडरल गवर्नमेंट, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना काम है फोर्स कमांडर का, DG का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स फिर आ जाता है 5th पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर होगी, फोर्स कमांडर के, DG के पास होगी। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। फिर चैप्टर 3 में सिर्फ एक आर्टिकल है और ये है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स के ऊपर, कि किस शख्स की कितनी पावर्स होंगी, कौन शख्स किस तरह से वहां पे ऑपरेट करेगा, AD की क्या पावर्स होंगी, DD की क्या पावर्स होंगी, इंस्पेक्टर की क्या पावर्स होंगी, वो हमें चैप्टर 3 बताता है। और उस आर्टिकल अगर हम करें तो आर्टिकल नंबर इसका 6 बन जाता है। इसमें जैसे वही चीजें मैंने आपको बताई कि अगर आपने कस्टम्स का कोई मामला हो रहा है, कोई लेके जा रहा है स्मगलिंग कर रहा है, तो आपने कस्टम्स के नुमाइंदे को बताना है, और ये 1969 का एक्ट है, एक कस्टम एक्ट वो कहता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के हवाले से कि कस्टम्स का एक्ट कौन सा यूज होता है, कस्टम एक्ट 1969, स्मगलिंग के हवाले से कॉन्ट्राबैंड का वर्ड यूज होता है उसके हवाले से। फिर इसी तरह एक आर्मी का एक्ट है जो किसके अंडर काम करते हैं ASF के मेंबर, तो वो आर्मी एक्ट के अंदर काम करते हैं 1952 के, उनकी जो पे स्केल वगैरह सारा है, पेंशन का रूल है, वो आर्मी के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में भी सिर्फ एक आर्टिकल है और ये आगे उसके सब आर्टिकल्स हैं। वैसे एक आर्टिकल है जिसमें लायबिलिटी ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं, कि ऑफिसर्स और जो मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं,
ये जिम्मेदारियां हर किसी को पता होनी चाहिए, और अगर वो उन जिम्मेदारियों से हटेगा तो उसके ऊपर आर्मी एक्ट लग जाएगा और उसको सजा भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। तो यही चीज इसके अंदर सारा देखना पड़ता है। जैसे ये देखिए, लायबिलिटीज सिर्फ एक है, 7 आर्टिकल इसमें आता है, लेकिन आगे इसके 7 पार्ट हैं, 7A, 7B, 7C। तो इसके अंदर पहला वो कहता है कि ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनपे पाकिस्तान का आर्मी एक्ट लगता है। अगर कोई आप जॉब छोड़ के बताए बगैर चले जाएंगे, एक बॉन्ड भरना पड़ता है सेलेक्ट होने के बाद कि मैं इतने साल ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। उससे पहले अगर छोड़ के जाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। सस्पेंड अगर कोई ऐसा काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं या ड्यूटी पूरी नहीं करते, तो सस्पेंशन हो सकती है। अगर जेल होती है, मेंबर की बात कर रहा हूँ, जो एक ऑफिसर जॉब पे लग गया है तो उसको किस जेल में रखा जाएगा। ये सारे पॉइंट जो है, ASF की नौकरी टफ नौकरी है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त हैं, ड्यूटी टाइमिंग की पाबंदी होती है, एमरजेंसी समझ ले टाइप की ड्यूटी है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट होते हैं वो उनमें ड्यूटी जरा रिलैक्स होती है, आप दाएं बाएं निकल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बाउंड्री में मौजूद रहना पड़ता है। और दूसरा नंबर यूनिफॉर्म जॉब है, ASF को यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है। बाकी अदारों में AD को आमतौर पर यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता, इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे AD भी यूनिफॉर्म पहनता है। फिर देखिए ये कैप्चर ऑफ डिजर्टर्स, डिजर्टर से मुराद होता है जॉब छोड़ के चले जाने वाला, कि अभी आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, आप जॉब छोड़ के किसी और महकमे में जाना चाहें तो कैप्चर आपको पकड़ के जो है वो बंद कर लिया जाएगा। लेकिन आप किसी कोई मजबूरी थी, कोई मेडिकल की वजह बन गई, या आप कहना चाहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप अपील एंड रिविजन का भी आपको हक हासिल है, आप जो है वो अपनी अपील कर सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर को 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, और या फोर्स कमांडर को भी कह सकते हैं कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, इस को जो मुझे सजा दी जा रही है ये गलत है। 7G में बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर मेंबर ऑफ द फोर्स, के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं ऑफिसर, जैसे AD की जो सीट है वो थ्रू FPSC आती है, इंस्पेक्टर की सीट भी FPSC के आती है, जबकि जो बाकी सीटें हैं जस्ट लाइक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो गए, कारपोरल हो गए, उनकी जॉब जो है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट दे देता है और उसमें वो डेलीगेट कर देता है कि अपॉइंट करना फलां ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। तो ये हमारा चैप्टर 4 के अंदर आ जाता है, आर्टिकल नंबर 7, एक ही आर्टिकल है और उसके आगे सब क्लासेस हैं। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर 6 आर्टिकल हैं बेसिकली। तो हमने 7 आर्टिकल पहले पढ़ लिए, 6, ये टोटल 13 हो जाएंगे। इसके अंदर जो है कौन कौन से आर्टिकल है देखिए, पहला आ जाता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी से मुराद होता है इस्तस्ना, कि एक मेंबर अगर ADASF है, वो उसको शुबा होता है कि कोई बंदा जा रहा है, कोई एक्ट्रेस ही जा रही है, उसके पास स्मगलिंग का सामान है, वो उसको रोक लेता है, कस्टम्स के बंदे को बुलाता है, इसको चेक करो, कस्टम वाला चेक करता है नहीं है, तो ये नहीं हो सकता वो एक्ट्रेस है या कोई प्रेजिडेंट है वो के मेरी हित के इज्जत हो गई है, मेरे पे झूठा इल्जाम लगा है। अस्तस्ना हासिल है, पावर हासिल है ADASF को, वो रोक के किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं, इसके बोलते हैं इंडेमनिटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 5 में आर्टिकल नंबर 9, डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो मेन पावर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ये अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं डायरेक्टर जनरल या फोर्स कमांडर को, अपनी पावर जो है, एक्सेप्ट रूल बनाने की पावर जो है वो DG को नहीं दी जा सकती। रूल अगर कोई बनेगा तो वो बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट, और वो बकायदा गजट में उसका नोटिफिकेशन होगा, फिर जाके कोई रूल बनेगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फोर्स कमांडर, फोर्स कमांडर के पास जो पावर्स हैं वो आगे किसी को डेलीगेट करना, चाहे वो छुट्टियों पे जा रहा है या उसको लगता है मेरा ये मेंबर अच्छा काम कर रहा है, तो वो अपनी पावर्स किसी को आगे डेलीगेट भी कर सकता है। फिर आ गया पावर टू मेक रूल, रूल बनाने की पावर मैंने आपको बताया फेडरल गवर्नमेंट के पास है। पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रेगुलेशंस बनाने की जो पावर है वो फोर्स कमांडर के पास है, लेकिन वो भी पहले उसको फेडरल गवर्नमेंट से इन राइटिंग पास करवाएगा, उसका नोटिफिकेशन जारी करवाएगा, उसके बाद चीजों को इनफोर्स करेगा।
और लास्ट आ जाता है रपील का जो है पोर्शन। रपील मैंने खत्म होना मतलब इससे पहले जो एयरपोर्ट चल रहे थे वो एक ऑर्डिनेंस के तहत चल रहे थे, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस, वो खत्म कर दिया गया और इंप्लीमेंट कर दिया गया एएसएफ एक्ट 1975। तो ये जी हमारा एक्ट हो जाता है। आपके पेपर में 20 में से ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यूज आपके इसी एक्ट में से आते हैं, लेकिन 5 एमसीक्यूज जो हैं वो थोड़े से हटके आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ जो हैं सोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्विस रूल्स हैं 1978 एएसएफ के, वो भी 3-4 सफ़ों के हैं, वो भी आपको याद करने होते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी मैयस के कुछ एमसीक्यूज हैं, वो मेरे पास अवेलेबल हैं, फाइल बनी हुई, और उनमें से अक्सर ही रिपीट होते हैं। तो ये टोटल आपकी 3 फाइलें बन जाती हैं, इन तीनों को आपने एक दफ़ा पढ़ के जाना होता है। और ये ऐसा मैंने आपको बताया कि पोर्शन है एएसएफ एक्ट का 20 मार्क्स का, सिक्योरिटी मैयस का, कि जिसमें आप 18 नंबर भी ले सकते हैं 20 में से, बहुत ईजी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपके फिर 8-9 नंबर भी नहीं आते 20 में से, और आप मेरिट की दौड़ में से बाहर हो जाते हैं। एटलीस्ट जो एडी का मेरिट होता है वो 80 प्लस पे होता है, 80 प्लस के ऊपर जाके एडी का मेरिट बनता है, ये चीज याद रखिएगा। अब अगर एक बंदे के यहीं से 8-10 गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब वो वैसे ही रेस से निकल जाता है, क्योंकि डेफिनेटली इंग्लिश मैथ इनमें अगर थोड़ा सा मुश्किल चीजें आ जाए तो आपके 2-2, 4-4 नंबर वहां से भी कट सकते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से जो है याद कर लें। अगर फाइल्स आपके पास मौजूद हैं तो ठीक है, नहीं मौजूद तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके ये ले सकते हैं। वैसे मेरे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैं ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूं, क्योंकि इसी वीक में पेपर है एडी का। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो ये एक दिन में ये सारी चीज़ें कवर की जा सकती हैं। तो लास्ट डे पे इनको और करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा मेरी रिकमेंडेशन है कि फोकस किया जाए, बाकी चीज़ें तो हम साथ साथ फिर तैयारी करते ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है वो थ्रू आउट द ईयर चीज़ें तैयार करता है, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जो मेन चीज़ें होती हैं वो करंट अफेयर्स, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, उनको आपको आखिर में ज़रूर रिवाइज करना चाहिए। और अगर आपके पेपर में कोई एक्ट आ रहा है तो उस एक्ट को भी एक दिन पहले पेपर से अच्छी तरह से तैयार करके जाना चाहिए। तो जी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।